उत्तराखंड के चमोली में आई ग्लेशियर दैवीय आपदा से जहां दर्जनों लोगों की मौत हो गई और कई लोगों का अभी तक पता भी नहीं चल सका है। हालांकि प्रदेश सरकार के द्वारा टीम गठित कर लापता लोगों की खोजबीन युद्ध स्तर पर जारी है। वहीं चंदौली का लाल भी इस आपदा के बाद से लापता है। दरअसल पूरा मामला शहाबगंज थाना क्षेत्र के केराए गांव का है, जहां उत्तराखंड के चमोली में इस गांव के रहने वाले पंकज पांडे एनटीपीसी में सुपरवाइजर के पद पर पिछले 10 सालों से कार्यरत हैं। पंकज चमोली में आई दैवीय आपदा की चपेट में आ जाने से लापता हैं। पिछले 4 दिन से पंकज का कोई पता नहीं चल सका है, जिसके चलते परिजन काफी परेशान हैं। वहीं पंकज के परिजनों ने मीडिया से बात करते हुए सरकार से अपने बेटे को खोजने की मांग की है। हालांकि जिला प्रशासन ने पंकज के परिजनों को हर संभव मदद कराने का भरोसा दिलाया है। मैं प्रमोद पांडे, ग्राम खेरागा, थाना साहबगंज, तहसील चकिया का निवासी हूं। और जो लापता है, मेरा भतीजा है। मैं योगी सरकार से निवेदन करता हूँ कि जो भी है सहायता, मेरा भतीजा आए। कितने दिनों से वहाँ? मेरा वो चार साल से कार्यरत है। किस पद पे थे? वो सुपरवाइजर के पद पे कार्यरत है। जिस दिन घटना हुई थी, कितने दिन पहले उनसे बात हुई थी? घटना के आधे घंटे पहले वो मेरे से और अपने भाई से बात किया था। ये क्या नाम है जो लापता है? पंकज पांडे। आप उनकी माता जी हैं? जी। कब से वहाँ काम कर रहे थे? वहाँ 10 साल से काम कर रहे थे। किस पद पे थे? सुपरवाइजर हूँ। पैसा बांटे बदे गई नवंबर लेबरन के। तो जिस दिन घटना हुआ उस दिन बात हुई थी? हमसे बात नहीं हुई थी, हमसे 4 दिन के बात भयल भैया, हमसे कुछ बात नहीं भयल। चंदौली से मिथिलेश सिंह की रिपोर्ट।